ये नारा चल रहा है कटोगे के बटोगे, कटोगे तो बटोगे। देखिए ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है, और ये किस लैब में तैयार हुआ है, और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा, पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। सर, में आज एक हत्या हुई है, ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या हुई, कानून व्यवस्था पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। अनुराग यादव नाम का लड़का है, इसका गला काट के हत्या की गई है। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे, प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले एक गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं है, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है। एक बैनर लगा है, एक पोस्टर लगाया गया आपके समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, उसको लेकर आज एक केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि 27 छोड़िए 47 तक का सपना जो है। देखिए आप सब चैनल वाले लोग हैं, और अगर यूट्यूब न सब्सक्राइब करें आप तो बीच बीच में विज्ञापन आ जाता है, और विज्ञापन बड़ा परेशान करता है। तो मुख्यमंत्री जी जो चीज फेस नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के कुछ लोगों को वो सामने रखते हैं। हालांकि आजकल सर्कस बंद है, नहीं तो आप जानते होंगे कि सर्कस में उस गैप को फिल करने के लिए कुछ ऐसे लोग रखे जाते थे जो गैप फिल कर सके। लगातार ये अरे मेरे पत्रकार साथी बहुत समझदार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं लखनऊ से मलियाबाद होकर के और हरदोई आया हूँ। मेरे पत्रकार साथियों आपको पता होगा ये सड़क कब बनना शुरू हुई थी, आज भी सड़क ये नहीं बना पाए। जो वो इंडस्ट्रियल एरिया आपका संडीला का है, जितने कारखाने उस समय लगे थे उसके अलावा कोई नया कारखाना बड़ा नहीं लगा पाए हैं। तो जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, जिसकी सरकार में भेदभाव हो रहा हो, आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा हो और संविधान को समय समय पर ये चोट पहुंचा रहे हो, इनके पास इसी तरह के जुमले हैं कि हैशटैग चलाएंगे, किसी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत नारे बनाएंगे। और जो नारा बना था जिस लैब से, वो लैब वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए का कोई मुकाबला नहीं है, पीडीए परिवार का सामना नहीं कर सकते ये लोग। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है, पहले तो झूठा फंसाओ, और झूठा फंसाने पर इतना बदनाम कर दो मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर मदद करने आए तो उसे भी प्रशासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके फंसा दो। निष्पक्ष जांच होगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, हमारे पत्रकार साथी अगर आप में से कोई सच्चाई दिखा दे, भ्रष्टाचार की भी खबर चला देगा, तो ऐसा मुकदमा लगेगा, ऐसी धाराएं लगेंगी कि आप हाईकोर्ट में भी घूमते रहना, आप जमानत नहीं पाओगे। बीजेपी के तमाम लोगों को धमका रहा है, पप्पू यादव को भी धमकाया है, बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग सुन रहे हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़े सवाल हैं कि कोई भी हवाई जहाज उड़ता है उसमें धमकी आ जाती है बम की। अभी तक तो हवाई जहाज में धमकी आ रही थी, अब और जगह भी धमकी मिल रही है। और आपको याद होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को लग रहा था और बहुत सी हमारी जो एजेंसी है उनको लग रहा था कि आरडीएक्स है इसमें, लेकिन बाद में आपको याद होगा क्या निकला था, वो लकड़ी को घिसने के समय पर जोड़ने के लिए जो मसाला होता है, जांच के बाद वो निकला। ये इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में बीजेपी असफल हुई है। जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, महंगाई के,
कारखाने लगे नहीं, निवेश आया नहीं, और उसका परिणाम यह है कि समय समय पर ये मुद्दे बदल रहे हैं और बातचीत आपके माध्यम से, आपके कुछ साथियों के माध्यम से, प्रीपेड पोस्ट पेड योजना के माध्यम से ये जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। सर आपने विधान परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये आज उनका बयान है कि वो पीडीए को ये बता रहे हैं। ये पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है। जो भाईचारा कोई बचा रहा है तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्हें कोई विभाग अच्छा चाहिए होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं, यूट्यूब तो देखते होंगे, सब्सक्राइब किया कभी नहीं किया? अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो बीच में ऐड आता है चैनलों में, ऐड, ये ऐड है बीजेपी के। खुल के इतने में समझदार हो आप? अयोध्या वो विज्ञापन है बीजेपी के।